हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। एक बहुत ही जबरदस्त तड़ाके भड़ाकेदार न्यूज़ आई है यूजीसी की तरफ से, और इस न्यूज़ को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अपकमिंग डेज में बहुत बड़े लेवल का फायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हो, समझते हैं फटाफट से कि यूजीसी की तरफ से ऐसा क्या आ गया है। सो गाइस, यूजीसी ने फाइनली अलाउ कर दिया है एक बड़ा डिसीजन लेते हुए कि दो डिग्री, दो फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम आप एक साथ कर सकते हो। साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ, आप दो फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम आप एक साथ कर सकते हो। यस, अब ये चीज़ अलाउ कर दी है इंडिया में यूजीसी ने। आप चाहें एक डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स के साथ, आप अगर चाहें तो दो मास्टर डिग्री कर सकते हैं एक साथ, या आप चाहें तो दो बैचलर डिग्री कर सकते हैं एक साथ, या फिर आप एक मास्टर डिग्री करते हुए दूसरी बैचलर डिग्री कर सकते हो दूसरे डोमेन में। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं अब अलाउ कर दी हैं। और सबसे बड़ी बात गाइज यहाँ पर ये है कि अब दो फुल टाइम डिग्री एक साथ अलाउ कर दी। पहले ये था कि भाई आप एक फुल टाइम कर सकते थे और एक आप ऑनलाइन कर सकते थे, क्योंकि एक में आपको क्लासें लेनी होती है और एक में क्लासें आपको प्रॉपर तरीके से नहीं लोगे या बाद में लोगे, पार्ट टाइम लोगे तो चलेगा। बट अब क्या है कि दोनों फुल टाइम कोर्स आपको एक साथ करना अलाउ कर दिया है। इतना बड़ा डिसीजन जो है वो अब आ रहा है। बस यहाँ पर एक चीज़ को छोड़ करके बोला गया है कि भाई पीएचडी के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ध्यान से सुनना, आप वीडियो देख लो पूरी, सारी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पर पीएचडी के लिए एक जो चीज है, ये जो रूल है वो अलाउ नहीं होगा। जैसे आप सपोज करो कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हो और पीएचडी करते करते आपने अगर एमकॉम किया है, एमकॉम के बाद आप पीएचडी कर रहे हो, तो उस केस में अब जब आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया तो अब आप एमए नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप पीएचडी कर रहे हो। तो जब आप पीएचडी करोगे तब उस केस में आप कोई दूसरा कोर्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एमकॉम कर रहे हो तो एमकॉम के साथ साथ आप एमए कर सकते हो, अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम के साथ साथ आप साथ में बीएड भी कर सकते हो। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरीके से दो बैचलर डिग्री एक साथ अलाउ कर दी है। अभी किस तरीके से होगा, कैसे होगा, ये अपकमिंग डेज में हमें देखने को मिलेगा। एक कंप्लीट इसके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी फिलहाल पब्लिक नोटिस नहीं आया यूजीसी की तरफ से, लेकिन ये यूजीसी की तरफ से एक ऑफिशियल न्यूज है, एक अनाउंसमेंट है जो कि यूजीसी ने खुद करी है उनके चेयरमैन ने। तो ये बिल्कुल भी फेक न्यूज नहीं है। देखो गाइज, यहाँ पर आपने बताया हुआ साफ साफ कि भाई ऑफिशियल वेबसाइट पर कल 13 अप्रैल को, यानी कि आज 13 अप्रैल है, आज शाम तक या कल तक अवेलेबल हो जाएगा इसका पब्लिक नोटिस। पहले क्या होता था, यूजीसी रेगुलेशन डिड नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू परस्यू टू फुल टाइम प्रोग्राम एंड दे कुड ओनली परस्यू वन फुल टाइम अलॉन्ग विद वन ऑनलाइन शॉर्ट टाइम या डिप्लोमा कोर्स। पहले ये अलाउ किया हुआ था कि एक फुल टाइम के साथ साथ आप दूसरा ऑनलाइन मोड में कर सकते हो, लेकिन अब क्या है, अब इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है कि दो फुल टाइम कोर्स कर सकते हैं दो बच्चे। अब गाइज यहाँ पर मैं ये बता दूँ आपको कि ये जो न्यूज़ है ये अब उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अब करेंगे, ये नहीं कि जो पहले से करके बैठे हुए हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अभी आप लोग, क्योंकि अभी आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑलरेडी आप पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो अब आपके लिए तो अच्छी न्यूज ये है नहीं, क्योंकि आप तो आप क्या करना, आपको नेट का एग्जाम देना, आगे बढ़ना, पीएचडी करोगे, और जब आपने अगर एक बार पीएचडी में एडमिशन ले लिया तो पीएचडी वाले बच्चों पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो फिर आप कोई दूसरा कोर्स नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर अभी आप बीकॉम में हो, अगर आप एमकॉम में हो, तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। तो आपके लिए कह सकते हो कि बैड न्यूज भी है कि भाई आपको तो मौका मिला ही नहीं, आप तो पास कर चुके हो, तो आपके लिए तो मौका है ही नहीं करने के लिए। यहाँ पर एक चीज को ध्यान में रखा गया है, दैट इज कि जब आप दो फुल टाइम डिग्री कर रहे होंगे तो क्लास की टाइमिंग अलग अलग होनी चाहिए। जैसे सपोज करो अगर आप एम कॉम कर रहे हो, उसकी मॉर्निंग की शिफ्ट है, उसका जो कॉलेज है मॉर्निंग का है, और अगर आप साथ में एम ए भी करना चाहते हो तो उसकी जो क्लासेज है वो इवनिंग में होनी चाहिए। मतलब वो जो डिग्री है आपकी वो इवनिंग कॉलेज से आपकी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लासें क्लैश कर रही हो। फुल टाइम करने का मतलब ये हो गया कि आप क्लासेस भी अटेंड करेंगे, क्योंकि अटेंडेंस का पंगा हो जाएगा, अटेंडेंस भी देनी पड़ेगी ना आपको। तो ऐसे में आप चाहें तो दो कोर्स कर सकते हैं, लेकिन दोनों की टाइमिंग अलग अलग होनी चाहिए, दिस इज मैंडेटरी। ऐसा नहीं कि दोनों मॉर्निंग शिफ्ट में कर लिया तो आप उस डिग्री को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, आप नहीं बता पाओगे कि आपने किस तरीके से इसमें अटेंडेंस मेंटेन करी है। यहाँ पर यूजीसी ने, अगर आप डिग्री करना चाहते हो दो डिग्री एक साथ, तो यहाँ पर इस हद तक अलाउ कर दिया है कि आप अक्रॉस द डोमेन कर सकते हो। सपोज करो अगर आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो, अगर आप एमएससी कर रहे हो तो आप एमएससी करते करते आप बीए या एमए भी कर सकते हो। समझ रहे हैं आप लोग? तो अलग अलग डोमेन में भी आप जाकर के पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी फॉर द एडमिशन वो रहेगा अनचेंज, दैट रिमेन अनचेंज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बीएड करना चाहते हो तो बीएड के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। लाइक अगर आपने बीए कर रखा है, अगर आपने एमए आपने बीए कर रखा है, या फिर आपने बीकॉम या बीएससी कर रखा है, तो उसके बाद ही आप बीएड कर पाते हो ना, तो इसलिए ये जरूरी है। इसका जो आपका एडमिशन क्राइटेरिया है वो जरूरी होगा फुलफिल करना। समझ रहे हैं? तो बस इन चीजों को ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज ये कि जो ये रूल आया है दैट इज ऑप्शनल,
अडॉप्टिंग दीज गाइडलाइंस इज ऑप्शनल फॉर यूनिवर्सिटीज। अब ऐसा नहीं कि हर यूनिवर्सिटी कंपलसरी है, हर यूनिवर्सिटी आपको ऐसी चीज ऑफर करेगी, ऐसा नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी ने इन रूल्स को अपने यहाँ पर अलाउ कर दिया, सिर्फ और सिर्फ वही यूनिवर्सिटीज आपको कोर्सेज ऑफर कर पाएंगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप डबल कोर्सेज कर सकते हो, लेकिन उन्हीं यूनिवर्सिटी से जहाँ पर ये चीज़ अलाउ रहेगी। यूजीसी ने इस चीज़ को ऑप्शनल बनाया है। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एम कॉम कर रहे हो, और अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया से या फिर जेएनयू से अगर आप बीए करना चाहते हो, फिर एमए करना चाहते हो, तो उस केस में अगर उन्होंने अलाउ किया हुआ है ना, जेएनयू ने अलाउ किया हुआ है कि भाई आप डबल डिग्री कर सकते हो एक साथ, उसने इन रूल्स को फॉलो कर लिया, बात मान ली यूजीसी की, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे जेएनयू से। फिर आपको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में देखना पड़ेगा जहां पर इन रूल्स को उन्होंने अलाउ कर रखा होगा, इन्होंने उस चीज को अडॉप्ट कर रखा होगा। आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है कि भाई ये जो चीज है वो गाइडलाइन जो है वो ऑप्शनल है फॉर यूनिवर्सिटीज, ये मैंडेटरी नहीं है कि वो अपने आप पर इंप्लीमेंट करें या ना करें। और फिलहाल अभी इसके लिए एक कंप्लीट एक स्टेचुटरी बॉडीज जो अपनी यूजीसी है, जो यूजीसी की तरफ से कंप्लीट इसके ऊपर एक कंप्लीट नोटिफिकेशन आना बाकी है, उसी में पता चलेगा कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो होने वाली हैं। तो गाइज याद रखना, यूजीसी एक स्टैचुटरी बॉडी है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर बनाया गया था। अब गाइज यहाँ पर तीन तरह के आपके साथ आपके सामने रास्ते होंगे, और तीनों रास्तों को इन्होंने अलाउ कर दिया है। पहला रास्ता ये होगा कि भाई आपने वन इन फुल टाइम कर लिया और अनदर इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कर लिया। जैसे आप अगर एम कॉम कर रहे हो रेगुलर मोड से, तो आप बी ए कर सकते हो ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड से। पहला तो ये हो गया। दूसरा भी इन्होंने बोला है कि भाई एक फिजिकल मोड हो गया अलॉन्ग विद अनदर प्रोग्राम इन ऑनलाइन मोड। एक फिजिकल मोड से कर रहे हो, दूसरा भी ऑनलाइन कर रहे हो, तो यहाँ पर आपने एक रेगुलर किया और एक डिस्टेंस से किया। आप एक रेगुलर कर रहे हो, एक ऑनलाइन कर सकते हो, या फिर दोनों ऑनलाइन कर सकते हो। टू ऑनलाइन प्रोग्राम एक साथ चल सकते हैं, और दोनों आपके फुल डिग्री फुल कोर्सेज एक साथ दोनों फिजिकल मोड में चल सकते हैं, लेकिन उनकी जो शिफ्ट है, जो टाइमिंग है, वो अलग अलग होनी चाहिए। एक कोर्स की टाइमिंग मॉर्निंग की और एक कोर्स की टाइमिंग जो है वो इवनिंग की होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है दैट भाई जो यहाँ पर आपका जो ये रूल्स हैं दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम। अगर आप इन प्रोग्राम में इनरोलमेंट करवा लेते हो, तो उसके बाद अगर आप कोई दूसरे कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते, आपको प्रॉपर तरीके से इन कोर्सेज को ही कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो अपकमिंग सेशन के लिए, तो आप हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कम्प्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड क्रैश कोर्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। जितना कम टाइम आपके पास बचा है, लगभग आपके पास 2 महीने बचे हैं, इन 2 महीने में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पेपर वन आप इजिली विद इन अ मंथ, एक मंथ के अंदर ही फिनिश कर लोगे, खत्म कर लोगे विद कंप्लीट तरीके से। जो क्वालिटी बेस्ड जो चीजें होती हैं उस तरीके से आप कंप्लीट कर पाएंगे, बिकॉज मैंने टफ से टफ टॉपिक को इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है। और जो लेक्चर्स की लेंथ है वो भी बहुत लंबी नहीं है, कि 2-2 घंटे की लेंथ नहीं है, 30 से 40 मिनट की मैंने लेंथ रखी हुई है, ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें अचीव कर सकें। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए यूनिट वाइज, और साथ ही आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा यूनिट वाइज। इस क्रैश कोर्स का जो कंटेंट है वो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है। और जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, इसके होम पेज पे आपको डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, आप डेमो भी अटेंड कर सकते हैं। सो गाइस इस क्लास में इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या डाउट है, कुछ पूछना है किसी भी चीज से रिलेटेड, इस न्यूज से रिलेटेड, कुछ भी आपके मन में चल रहा है, तो आप कॉमेंट करना, वहाँ पर डेफिनेटली रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।